अगर आप लोग 10,000 रुपीज़ लेके अभी मार्केट में टैबलेट परचेज करने के लिए निकलते हो, चाहे ऑफलाइन देख लो चाहे ऑनलाइन देख लो, आपको कहीं भी वैल्यू फॉर मनी टैबलेट देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी टैबलेट वगैरह देखने को मिलेंगे अंडर 10,000, वो आपको आईकाल वगैरह के देखने को मिलेंगे, पैनासोनिक या फिर लिनोवो के देखने को मिलेंगे, जो कि सबके सब आउटडेटेड टैबलेट है। हार्डवेयर पे देख लो चाहे सॉफ्टवेयर पे देख लो, कुछ भी आपको मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगा। एक तरीके से पैसे की बर्बादी है अगर आप लोग इन सभी ब्रांड्स को परचेज करते हो तो। लेकिन अब फाइनली यहाँ पे Realme अपना एक टैबलेट लॉन्च करने जा रहा है जो कि आपको अंडर 10,000 रुपीज देखने को मिलेगा। आप लोगों को Realme Pad के बारे में तो पता ही होगा, जो कि आपको Flipkart पे अराउंड 12,000 से अबव देखने का मिल जाता है। तो Realme ना उसी का एक छोटा वर्जन समझ लो, Realme Pad Mini लॉन्च करने वाला है जो कि आपको अंडर 10,000 रुपीज देखने को मिलेगा। तो डिजाइन बिल्कुल सिमिलर होने वाला है Realme Pad जैसा ही। Realme Pad Mini में भी आपको बिल्कुल फ्लैट एजेस देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको Realme Pad देखने को मिलता है। Realme Pad Mini का प्राइस डाउन रखने के लिए उसमें थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग कराया गया है, जैसे कि इसके अंदर आपको HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। प्रोसेसर थोड़ा सा वीक है, यूनिसोक का T616 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। कैमरा थोड़ा सा डाउनग्रेड है, जैसे कि इसमें आपको 8 MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा एंड मेरे ख्याल से 5 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अदर्स टैबलेट से कंपेयर करो तो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी टैबलेट है ये। फुल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 8.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, IPS LCD डिस्प्ले HD+ रिजोल्यूशन की, एंड इसमें आपको काफी ज्यादा मिनिमल बेजल्स देखने को मिलेंगे। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे इसकी फोटोज वगैरह देख सकते हो, बेजल्स कितने ज्यादा कम है। 18W की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, वो भी टाइप सी पोर्ट, एंड इसमें आप लोग को 6400 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। एंड यकीन मानो आप लोग इसमें इजिली 1 डे यूसेज का बैटरी बैकअप ले सकते हो, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो HD+ होने वाली है, जिस वजह से वो ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगा, तो इजिली आपको 1 डे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एंड जो यूनिसोक T616 है ना, वो आप लोग स्नैपड्रैगन 662 से कंपेयर कर सकते हो। जो उसका एंटीटू स्कोर है वो आपको अबव 2 लाख देखने को मिल जाता है। तो इस टैबलेट में आप लोग गेमिंग भी हल्की फुल्की कर सकते हो, जैसे कि S5 9 खेल सकते हो, एंड PUBG वगैरह में आपको स्मूथ प्लस हाई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गेमिंग भी आपको मतलब टाइम पास के लिए करवा देगा, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे पोर्ट्स की भी कोई कमी नहीं है, आपको यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो साउंड एक्सपीरियंस है वो भी कमाल का होने वाला है। एंड Realme Pad Mini में आपको Realme Pad UI देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन Android 11। एंड मेरा ऐसा मानना है कि जो Realme UI है ना, वो काफी बेटर है कम्पेयर टू मी UI। मैंने यहाँ पे जस्ट 1 डे के लिए एक्सपीरियंस करा था Realme UI को, एंड यकीन मानो जो मी UI है ना, उससे कहीं ज्यादा बेटर यहाँ पे Realme UI है, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अब ऑप्टिमाइज हो चुकी है, तो कोई भी आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। एंड बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड इसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो ऐप की ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड है वो भी फास्ट होने वाली है। तो जो इसका बेस वेरिएंट होने वाला है उसके अंदर आपको 3GB रैम देखने को मिलेगा एंड 32GB स्टोरेज। एंड जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है उसमें आपको 4GB रैम मिलेगा एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज। तो आप लोग अपने चॉइस के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एंड दोनों ही टैबलेट जो 3GB रैम वाला मॉडल है एंड 4GB रैम वाला मॉडल है, दोनों में ही आपको यहाँ पे वाईफाई प्लस सेलुलर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब कि आप लोग अपना जो 4G सिम कार्ड है दोनों ही टैबलेट में यूज कर सकते हो। तो गाइज, जो मैंने अभी आप लोग को स्पेक्स बताया ना, उस बेस पे अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो अंडर 10,000 कोई भी टैबलेट इससे बेटर देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अभी ये टैबलेट लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जो भी मैंने आपको स्पेक्स बताया ना, बिल्कुल जेन्युइन है, आपको यही स्पेक्स इस टैबलेट में देखने को मिलेंगे। तो 4 अप्रैल 2022 को जो Realme Pad Mini है ये फिलीपींस में लॉन्च होगा, एंड बहुत ही जल्दी आपको ये इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस टैबलेट को जरूर कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट फिक्स्ड है 10,000 रुपीज। तो फिलहाल स्टूडेंट बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।